चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके तो सगळे आले असतील आता आणि आपलं पुढचं लेक्चर सॉरी पुढचा टॉपिक जो आहे नेक्स्ट हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आइसोमेरिज्म खत्म हुआ था, कार्बोकेटाइन्स कार्बोहाइड्रेट का भी पार्ट खत्म हुआ था. नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट्स. ठीक है, आपने रीड किया होगा या फिर आपने देखा होगा. आई होप कि बीपीटीओ से चैप्टर रीड तो किया होगा या फिर आप लोग कर रहे होंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि जो भी अभी जो भी रिएक्शंस है, मतलब जब भी हम लोग रिएक्शंस करेंगे तो उसमें एक मेन चीज आएगी, वहां पे आपको इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, उसको आज हमें देखना है. ठीक है, एंड दूसरी बात जो हमें आज देखनी है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वो इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, क्योंकि उसको लेकर बहुत चीजें हम लोग फाइंड कर सकते हैं. मतलब क्या कि जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हमें चेक करनी होती है, बेस की हमें बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी होती है, या फिर स्टेबिलिटी चेक करनी होती है कभी कभी कार्बोकेटाइन्स की, कार्बो एनायंस की. तो ये चेक करने के लिए हमें एक चीज बहुत हेल्प करती है जो कि होती है हमारी इंडक्टिव. ठीक है, आपने सुना होगा या फिर आपका हुआ भी होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट, तो आज हमें वो इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, सगळे झोपेतून जागे झाले असतील, कोणी आता झोपेतून उठला असेल तर एकदम जरा उठा आणि लक्ष द्या प्रॉपर. तो न्यूक्लियोफाइल, ठीक आहे, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल. अब आपको थोड़ा बहुत नाम से तो पता चला होगा कि हाँ ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है. तो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल किसके रिलेटेड होगा. ऑफकोर्स अभी न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है आपको तो इसमें न्यूक्लियस का कुछ तो काम होगा, इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन का तो काम होगा. ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल होता है ये इलेक्ट्रॉन से तो रिलेटेड होता ही है, न्यूक्लियस से भी रिलेटेड होता है. अब जो ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है, अभी खुद न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो ये क्या हो गए, न्यूक्लियस लविंग हो गए. करेक्ट, ये किसके लविंग हो गए, न्यूक्लियस से इन्हें बहुत प्यार होगा. ठीक है, तो ये हो गए न्यूक्लियस लविंग. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हाँ भाई ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं. अब जो ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं, आपने बहुत सारी रिएक्शन में देखा होगा कि यूजुअली उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. ठीक है, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है. मतलब कि फॉर एग्जांपल, पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये OH- है या फिर ये CN- है, ठीक है, या फिर ये वॉटर मॉलिक्यूल है. अब ये जो लोग होते हैं या फिर अमोनिया NH3, ठीक है, अब जो ये लोग होते हैं ना ये काम क्या करते हैं, किसका काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल दिया है उन्होंने, ठीक है, CH3Cl+KOH दिया है, मतलब मिथाइल क्लोराइड दिया है और उसको आपने रिएक्ट किया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ. अब यहाँ पे ये K+ होगा और ये OH-, मतलब यहाँ पे जो ये आपका OH है, ठीक है, OH, तो ये OH आपका काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल का. ठीक है, तो OH क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, बरोबर. तो ये यहाँ पे फिर ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा. अब देखो ये OH- न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है. मतलब क्या, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो दो चीजें होती है कि इनका जो सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर अटैक, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर के ऊपर वो अटैक करते हैं. मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती ज्यादा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, OH- जो होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा. कहां पे अटैक करेगा, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर के ऊपर अटैक करेगा. क्यों, क्योंकि भाई ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. अब जो ऑफ कोर्स वो खुद रिच है, वो रिच की तरफ क्यों जाएगा, बरोबर ना. मतलब उनके पास ऑलरेडी है तो उन्हें जरूरत नहीं है, करेक्ट. तो ये जो स्पीसीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट। अब ये कोई इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो अटैक कहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर के ऊपर वो अटैक करेंगे। नाउ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज ऑफ कोर्स, ठीक है, फर्स्ट तो आएगा तो भाई इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। नाउ नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग ने देखा है कि कौन सी रिएक्शन थी हमारी, वो हम लोग हाइड्रोकार्बन जब कर रहे थे, एरोमेटिक कंपाउंड जब कर रहे थे, तो हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग ने AlCl3 को यूज किया था, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन में भी हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग ने एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को यूज किया था AlCl3 को, याद आ रहा है क्या, ठीक है। या फिर नाइट्रेशन रिएक्शन में हम लोग ने क्या किया था, HNO3 को यूज किया था, तो हमें क्या मिल रहा था वहां पे, NO2 मिल रहा था, बरोबर ना, हमें ये NO2 मिल रहा था, तो हम लोग ने देखा था कि वहां पे कैसे ये NO2 प्लस होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, तो ये हम लोग ने देखा था, आपको याद आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन नाइट्रेशन रिएक्शन, फ्रीडलक्राफ्ट एल्केलेशन, उसमें हम लोग ने ये चेक किया था। अब जो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं तो उनके पास खुद इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होते, मतलब क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होते हैं। डिफिशियंसी मतलब कमी, हम लोग बोलते हैं ना कि हमें ये विटामिन की कमी है, हमें ये विटामिन की डिफिशियंसी है, हाँ इसकी डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब कमी, ठीक है, तो हमारे इनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होते, मतलब इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब ऑफ कोर्स इनके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, डिफिशियंसी है, तो इन्हें क्या चाहिए भाई, और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर अटैक करेंगे, बरोबर। अब मेरे पास कमी है तो मैं ज्यादा जिसके पास है उसके पास जाऊंगी ना, तो ये खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं तो वो कहाँ पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे, ठीक है। सो ये अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर वो अटैक करते हैं। नाउ इनके ऊपर ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर न्यूट्रल न्यूट्रल आता है, न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है, हे माहिती आपल्याला। नाउ अब फिर इसके एग्जांपल्स क्या हो सकती है, आपको पता कैसे चलेगा कि भाई इसके एग्जांपल्स कौन से है, और हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो होता है AlCl3 का, देन आपका जो NO2 है, ठीक है, NO2 प्लस, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, या फिर ट्राइफ्लोरोबोरेट, BF3, ठीक है, BF3, ये भी न्यूक्लियोफाइल का ही काम, इलेक्ट्रोफाइल का ही काम करेगा। तो इसके ऊपर आते हैं पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल, ठीक है, एक तो ये न्यूट्रल हो गए या फिर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये होते इलेक्ट्रोफाइल, ये होते न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्यों जरूरी है, ये जरूरी है क्योंकि जब भी हम लोग रिएक्शन करते हैं, बड़ी बड़ी रिएक्शन या फिर रिएक्शन में जो भी हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, तो वहां पे हमें उस रिएजेंट का रोल पता होना चाहिए, उस रिएक्शन में कौन अटैक करेगा, मतलब उस रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा या फिर अटैक कौन करेगा, तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है ये न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, समझ में आ रहा है, सर ऐसा स्क्रीनशॉट करा पटकन, ये झालेले तरी पण थोडा मरे मरे कोण झोपत नाही ना, आता कोणी तर डुलक्या मारतंय असं, सकाळ सकाळ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, अब नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा इंडक्टिविटी, उसके पहले मैं आपको एक बात बोलूंगी कि अब सारी चीजें ऑनलाइन मिल रही, तो आपको एक काम करना है, अभी जेईई नीट का लेक्चर भी स्टार्ट हुए, तो आपको एक काम करना है, अगर आपके पास के बुक के शॉप अगर खुले हुए हैं, नहीं तो ऑनलाइन आपको क्या परचेस करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो बुकलेट है उसको आपको परचेस करना है, उसको आपको ले, मतलब नीट का, जिसको नीट एग्जाम देना है उसको, उसने नीट का खरीदना है, जिनको JEE CET का देना है उनको JEE CET का, अगर JEE CET का नहीं मिला तो ऑनलाइन प्रिंट आउट ले लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, 10-12 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन पेपर,
तो वो बुक आपको लाना है. अगर बुक नहीं मिला, नीट का तो बुक मिल ही जाता है ऑफकोर्स, सीरीन जेई का अगर बुक नहीं मिला तो इंटरनेट से सारे पेपर्स, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो, क्वेश्चन पेपर प्रॉपर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर, मतलब एग्जाम वाले जो आए थे. और लाने के बाद आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन पेपर को, मतलब सपोज 2019 का होगा, 18 का होगा, 17 का होगा, जो भी होगा, उन सारे क्वेश्चन पेपर का आपको एनालिसिस करना है. एनालिसिस करना मतलब क्या, सारे पेपर्स को आपको अच्छे से देखना है. सपोज मैं 2018 का क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ, तो पूरा मैंने पेपर देखा, फिर 19 का, फिर 20 का तो नहीं, हाँ 20 का भी है ऑफकोर्स, सॉरी, फिर 20 का देखना है. तो आपको एनालिसिस करना है, मतलब कि आप जब आप लोग एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नहीं हुए. ऑफ कोर्स अभी तो आपकी शुरुआत है, लेकिन फिर भी आपको उनको रीड करके आगे जाना है, ताकि आपको समझे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक के ऊपर किस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं. चलो मैंने इलेक्ट्रोफाइल आपको सिखाया, न्यूक्लियोफाइल सिखाया, इंडोक्लियोफाइल सिखाया, लेकिन हम लोग ने जो सीखा है उसको लेके किस टाइप के वो क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. मतलब क्या, जब हम लोग एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन पेपर का, तब हमें आइडिया आ जाते हैं कि यस हमें कैसा क्वेश्चन आएगा. जब तक आप लोग एनालिसिस नहीं करोगे कोई भी क्वेश्चन पेपर का, तब तक आपको कोई नहीं समझेगा. कितना भी स्टडी करो, कितना भी पढ़ो, उसका फायदा बिल्कुल नहीं होगा. डायरेक्टली आप लोग पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे, कर रहे, कर रहे, कर रहे, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि भाई उनको क्या चाहिए, वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं. तो उनको जो चाहिए वो हमें करना है. हमें ये अच्छा लगता है, हमें वो अच्छा लगता है, इसको दिमाग में मत रखो, ठीक है. उनका पैटर्न क्या है, हमें उनके पैटर्न से जाना पड़ेगा. इसलिए आपको एनालिसिस करना है. जो भी रिपीट क्वेश्चन, बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन होते हैं, रिपीट क्वेश्चन का आपको टिक करना है, फिर लिख के लेना है. फिर 11th का जो अभी आपके बहुत सारे टॉपिक्स, ये सारे सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट का, ये सिर्फ खाली केमिस्ट्री का नहीं. तो आपको देखना है कि 11th के कौन से टॉपिक, ऑलमोस्ट अभी 11th के टॉपिक्स आप फैमिलियर हुए हैं, 11th के कौन से टॉपिक के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको इमिजिएटली पता चलेगा कि मुझे क्या करना है. तो फर्स्ट हमें ये दिमाग के अंदर आना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, उनको क्या चाहिए. ऐसा जाएंगे तब हमें ये एग्जाम, मतलब क्रैक होगी, इजी जाएगा. नहीं तो हमें इतना सारा सिलेबस है, हमको इतना सारा नहीं करना है. जो जो मेन है, मतलब जो चाहिए वही करना है, ठीक है. तो आप लोग ये काम करो, अभी आपके पास टाइम है, अभी एग्जाम नहीं हुए, बाद में 12th स्टार्ट होगा तो नहीं ये टाइम मिलता, तो ये टाइम है, उसका एडवांटेज ले लो, ठीक है. नाउ हो गया. नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट. जैसे आप लोगों ने 10th में बोर्ड के पेपर सॉल्व किए थे, ये हो गया आई होप, तो आपको बहुत इजी जाता है ना, आपको आइडिया आ जाती है. तो ऐसे ही सेम आइडिया आनी चाहिए कि मुझे अभी लड़ाई के लिए जाना है, तो लड़ाई लड़ाई तर माहिती पाहिजे ना, शत्रु कसा है, त्याच्याकडे काय काय आहे, नाहीतर घेतली तलवारीने चालू लढायला, असं नसतं, ठीक आहे. अरे हा बिलकुल, उसकी प्रॅक्टिस लगती. नाव इंडक्टिव्ह इफेक्ट. अब हम लोग ना सपोज आपण ते रोप पुलिंगचा खेळ खेळतो, ठीक आहे, रोप पुलिंग, रस्सी खेच, बरोबर ना. तो एक साइड पे वो लोग होते, एक साइड पे वो लोग होते, तो उनके बीच में खींचम खींचा चलती होती, बरोबर ना. तो वो जो लास्ट में विनर कौन होता है, जो बहुत ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींचता है, वो विनर होता है, बरोबर ना. रोप पुलिंग क्या बोलते, पता नहीं उसको, रोप ही हम लोग पुल कर दे ना एक दूसरे की तरफ, हाँ, टग ऑफ वॉर, करेक्ट आदित्य, टग ऑफ वॉर. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, खेलते खेलते, लेकिन लास्ट में विनर कौन होता है, जो सबसे बहुत ताकतवर होता है, करेक्ट. मतलब क्या, यही भी सेम चीज हो रही है इंडक्टिव इफेक्ट में. अब दो चीजें होती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखते हैं CH3CH2Cl है, या फिर CH3Br है, कुछ भी कंसिडर करो. अब इसमें क्या होगा, अब CH3 एंड Br के बीच में आपको क्या दिख रहा है, या फिर इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, सपोज ये, इसी को हम लोग कंसिडर करते पहले, इनके बीच में आपको एक सिंगल लाइन दिख रही है, मतलब ये इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है. अब ये बॉन्ड कैसे बना है, आपको तो ये पता होता है कि बॉन्ड कैसे बनता है, भाई इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से, मतलब Br ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, एंड हमारे मिथाइल ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तभी जाके इनके बीच में बॉन्ड बना ना, ये कोवेलेंट. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है, इनके बीच में झगड़ा होता है, झगड़ा होता है मतलब ऐसा कंसिडर करो, झगड़ा होता है, ठीक है.
तो क्या होगा इस केस में, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एक तरह से उड़ के दूसरी तरह जाता है, लेकिन वो कहाँ जाएगा, मतलब किस और उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उसकी ओर क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचा चला जाएगा। मतलब जो सबसे ताकतवर होता है ना, वो अपनी तरफ उसको खींच लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा अपनी ओर, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये भाई साहब, अब ऑफ कोर्स ये आपको पता है कि इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम कौन होते हैं, जो जिनके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता है, बी आर माइनस हो, सी एल माइनस हो, एफ माइनस हो, मतलब सारे हैलोजन आते हैं, ठीक है। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ, ठीक है, ये आपको मैं एक टेबल दूंगी, उसमें आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, वो अपनी तरफ क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस और होता है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और तब वहां पे क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब क्या, थोड़ा क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आहे त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉनचं डिस्प्लेसमेंट होणं, म्हणजेच काय, इंडक्टिव इफेक्ट, करेक्ट। अब ये तो मुझे पता चला कि हाँ ये इसमें होता है। अब इसमें दो चीजें होती है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या, अब यहाँ पे दो टाइप्स के क्लास आएंगे, एक रिलीजिंग वाला, ठीक है, एक विड्रॉइंग वाला, मतलब एक जो रिलीज करता जाएगा, छोड़ता जाएगा, और दूसरा जो लेता जाएगा, एक होगा देने वाला, दूसरा होगा लेने वाला। तो जो प्लस आय होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मतलब क्या करते वो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन देते जाते। अब ये प्लस वाले इलेक्ट्रॉन दे रहे, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे, तो ऑफ कोर्स ये माइनस वाले क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेंगे। मतलब क्या, EWG और ये होगा ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब इसमें कौन से ग्रुप होते हैं, फिर बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन आपको बेसिक लेवल पे क्या समझना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं, यूजुअली जो हमारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, अल्काइल मतलब फॉर एग्जांपल मिथाइल हो, इथाइल हो, ठीक है, तो ये कहा क्या करते हैं, कहा करते हैं, तो ये बीच में भी आगे चाहिए, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देते जाते। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इनका काम है लेना, तो इसमें कौन से आएंगे, ज्यादातर हमारे Cl- हो, F- हो, Br- हो, या फिर नाइट्रोनियम ग्रुप हो, ठीक है, अमाइंस ग्रुप हो, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसके पीछे वाली एक बेसिक कंसेप्ट कि हाँ ये होता है। लेकिन दूसरी बात, ये इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती ना कि हाँ, कि फॉर एग्जांपल हम लोग जब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं या फिर मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। वैसे ही अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एक CH3, CH2, 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 Cl, ठीक है, ये हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है, 1, 2, 3, 4 ब्यूटाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है। अब इसमें ऑफ कोर्स क्या होगा, ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, हमारे क्लोरीन एटम के मॉलिक्यूल एटम, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये खुद क्या बनेगा, डेल्टा माइनस, वो ले रहा है ना, तो लेने वाला हमेशा माइनस में ही होता है ना, ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली चीज है कि हाँ, लेने वाले को ऊपर कर्जा होता है ना, तो ये डेल्टा माइनस होगा। अब इस माइनस दिया है,
तो ये होगा डेल्टा प्लस, करेक्ट, ये डेल्टा प्लस, ये होगा डेल्टा वन प्लस, दिस विल बी डेल्टा टू प्लस, ये होगा डेल्टा थ्री प्लस। अब क्या होगा, हम लोग खेल रहे, ठीक है, रस्सी खींचते अपन, तर सगळ्यात जास्त जोर कोणाला लागतो, मतलब सबसे ज्यादा ताकत किस कौन से पर्सन को लगती है, जो आगे होता है ना उसको लगती है ना, जो फर्स्ट ये वाला एक पर्सन है और ये वाला पर्सन इनके बीच में रस्सी है, ठीक है, तो इसको ज्यादा ताकत लगेगी और इसको भी, फर्स्ट वाले इंसान को ज्यादा ताकत लगेगी ना, और फिर जो पीछे वाले होते हैं ना लोग उनको थोड़ी कम 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 ऐसा कम कम होते जाएगा, ठीक है, कम कम, ठीक है। तो यही भी सेम चीज होती है, जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट एटम होता है CH2, ठीक है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन बहुत, मतलब इससे बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर ये CH2, तो यहाँ पे थोड़ा कम होगा इलेक्ट्रॉन देने वाला का, यहाँ पे और कम और कम, मतलब क्या कि हमारा जो ये देखो लाइन दिख रही है आपको, कार्बन चेन जैसी बढ़ेगी, मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, किसके बीच में वाला डिस्टेंस बढ़, चलो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये कार्बन चेन, ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको अभी क्या करना है, दो लोगों को कंसिडर करना है, एक क्लोरीन वाली टीम और एक कार्बन वाली टीम। अब जो क्लोरीन वाली टीम है, ठीक है, ठीक है, इसका इन लोगों से डिस्टेंस अभी बढ़ रहा है ना, ये पीछे पीछे जा रहे हैं, ये तो इसके सामने है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत जोर लगेगा, यहाँ से वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, करेक्ट, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब कम कम होता जाएगा, ठीक है, उसके वैल्यू कम होती जाएंगे, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएंगे ये लोग, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन देना था, जितना प्रेशर देना था, वो सामने वाले ने दिया है, तो ये जो है ना वो अपना थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, और जैसे हम लोग बहुत ही आगे जाएंगे ना तो वैनिश होगा, खत्म होगा, मतलब वहां पे कुछ काम ही नहीं होगा इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब वो ऐसे वेल्ला बैठेगा। तो एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, आपको याद क्या रखना है, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये चेन देखो, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आहे, ठीक है, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, दैट्स इट, खूप सोपा आहे, पाठीभागच्या लोकांना जास्त प्रेशर नाही लागणार, पुढच्याला जास्त प्रेशर लागणार, विषय संपला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कभी कभी हमारे पास ये होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, कभी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH3, ऐसा आपको एग्जाम्पल दिया है। अब इसमें क्या होगा, इस वाले केस में जो ये CH3 है, यहाँ पे होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट आपको हुआ ही नहीं पता, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड हुआ होगा तो आपको पता चलेगा, नहीं हुआ होगा तो बाद में तो आपको पता ही चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर होता है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होते सारे, तो वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जहां पे डबल बॉन्ड आता है वहां पे होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने बोला है शायद, बोला, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इस केस में हम लोग को क्या करना होता है, हमको देखना होता है कि एच कैरेक्टर को देखना होता है, मतलब यही भी हमें क्या करना है, इंडक्टिव इफेक्ट को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एच कैरेक्टर को देखना पड़ता है। एच कैरेक्टर मतलब क्या, देखो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एच कैरेक्टर कैसे निकालते, कौन से कैरेक्टर, एस कैरेक्टर, ठीक है, तो देखो सपोज ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 मतलब पी के तीन ऑर्बिटल और एस का एक, मतलब टोटल कितना हुआ, 4, तो 1/4 इंटू 100, तो ऐसा इनका परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, तो जो भी परसेंटेज आएगा, सपोज इसका 33 आएगा या फिर 25 आएगा, जो भी कैलकुलेशन करके परसेंटेज आता है, तो उनके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा हो उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, मोर एस कैरेक्टर मोर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, मोर एस कैरेक्टर मोर इंडक्टिव इफेक्ट। अब एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, वो भी बोला कि sp3 है तो ऐसा, sp2 होगा तो इसके दो ऑर्बिटल्स और एस का सिर्फ एक ही है ना, कुछ नहीं है, एक ही है, तो ये 3 हो गए टोटल, तो 1/3 इंटू 100, तो ऐसे हम लोग उसके
एस कैरेक्टर निकलते हैं, तो मोर एस कैरेक्टर मोर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब ये मुझे पता चला कि ये इसके लिए जरूरी है. अब ये क्यों जरूरी है, मतलब इसके ऊपर क्या कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो हम लोग जब कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे या फिर अमाइंस वाला चैप्टर देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि दो टॉपिक है उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते ही है नीट एंड जेई मध्ये, कि एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ. स्क्रीनशॉट काढा जर हँडराइटिंग समजलं तर वेळ लागतो कारण घेत तरी पण. सगळ्यांना डोक्यामध्ये जाते कि असं खूप जास्त होत आहे, ऐसा नाही हो रहा है ना कि सुबह तर थोड़ी थोड़ी चीजें बाद में समझ जाती है, ठीक है. घाबरायचं, खूप प्रैक्टिस केले की होऊन जाते. ते नहीं समझ में आ रहा तो पूछो. हाँ तो कहते एसिड, एसिड की हमको निकालनी होती है एसिडिक स्ट्रेंथ. मंजस का आया था ये पण सांगते एसिडिक स्ट्रेंथ, और बेस की निकालनी होती भाई हमको बेसिक स्ट्रेंथ. बेसिक स्ट्रेंथ मंजस का है, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या कि कौन ज्यादा एसिडिक है, आपको क्या करते हैं कंपेयर करने के लिए आपको एसिड देते हैं, ठीक है. सो बस फॉर्मिक एसिड दिया, एसिटिक एसिड दिया, प्रोपेडिक एसिड दिया, कोई भी टाइप के एसिड दिए, ठीक है. तो इनमें कंपैरिजन करने के लिए बोलते हैं कि इनमें से ज्यादा कौन एसिडिक है, ठीक है, कंपेयर करने के लिए. मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग चार लोग हैं ना, तो चार लोग सेम ही डिवीजन के, तो हम लोग को कंपेरिजन करने के लिए बोला सबसे ज्यादा होशियार कौन है, मतलब सबसे ज्यादा किसको मार्क्स मिले हैं, ऐसे कंपेरिजन, ठीक है. या फिर सबसे ज्यादा फास्ट कौन रन करता है, ठीक है, रनिंग में कौन ज्यादा फास्टर है, या फिर कोई चीज में कौन ज्यादा फास्टर है, तो कंपैरिजन करते हैं इसमें कौन फास्टर है. टॉपिक दिया है कि हाँ बोलो इनमें इन चारों में से कौन ज्यादा फास्ट रनिंग करता है, तो हम लोग को कंपेयर करना पड़ता है. तो सेम चीज है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, फॉर्मिक एसिड दिया, एसिडिक एसिड दिया, प्रोपियोनिक एसिड दिया, बेंजोइक एसिड दिया, और बोला भाई चलो फाइंड आउट करो कि हमको बोलो कि कौन ज्यादा एसिडिक है. तब वहां पे ये इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, मतलब वो चीज फाइंड करने के लिए हमें इंडक्टिव इफेक्ट की जरूरत लगती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बेसिक बनाए तो ऐसे क्वेश्चन, सेम चीज बेसिक स्ट्रेंथ. आपको चार एग्जांपल देंगे, बेस के अमाइन देंगे, एनिलिन देंगे, नाइट्रोबेंजीन देंगे, कोई भी बेसिक कंपाउंड देंगे और बोलेंगे कि फाइंड आउट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलिन, फाइंड आउट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ऐसा देंगे. या फिर कंपेरिजन करने के लिए हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस के ऊपर एंड एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, हमेशा आता ही है. वो ट्वेल्थ में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्वेल्थ वाला है. आपको फिलहाल ये याद में रखता है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे काम करता है ये फाइंड करने के लिए बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है. थर्ड चीज आपकी स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी हुई, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल, देन कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन बच्चों लोग, कार्बोकेटायन को ही हम लोग कार्बोनियम बोलते हैं, कार्बोनियम आयन. तो ध्यान रखियो कार्बोनियम दिया, आपको बोला कि भाई हाँ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन आयन क्या है, तो आपको लगेगा हाँ हमारा बार में कार्बोनियम शिखा उसने, कार्बोनियम मंजस कार्बोकेटायन and carb anion, carb anion किंवा carbanion, आपल्या फास्ट बोलतो carbanion किंवा carb anion म्हणजे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है C minus, आणि carbocation म्हणजे C plus. carbocation को ही हम लोग बोलते हैं carbonium ion, ठीक है. तो इन लोगों की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए भी हमें कौन मदद करता है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट. एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, वो वैनिश नहीं होता है सी, चलो इफेक्ट दिया और चला गया, मतलब काम किया और चला गया, ऐसे नहीं होता, काम करता है वो एक रुकता है. तो इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, ये एक दिमाग के अंदर रखियो, ठीक है. तो ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. दो टाइप्स होते हैं, प्लस आर एंड माइनस आर, ठीक है. अब मैं आपको एक लिस्ट दूंगी, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की,
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की, तो वो लिस्ट आपको अच्छे तरह से नोट करना है आपके बुक में और कहीं पे तो चिपका जहां पे आप स्टडी करते हो या फिर बुक में ऐसे रखो, ठीक है। या फिर कोई भी पेज के ऊपर आप लोग बनाओ उसे और अपने पास रखो जब आप लोग सॉल्व करते हो तो। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो एलिमेंट जो होते हैं कैसे उनके ऑर्डर डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी जब वो रिलीज करेंगे ग्रुप, तो वो लिस्ट अब दूंगी मैं आपको, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। फर्स्ट आएगा आपका ओ माइनस, ओ माइनस, ठीक है, ऑक्सीजन। फिर आएगा आपका एसिड, ये सी ओ ओ माइनस, ये कार्बोनेट, ठीक है, सीओ टू जो होता है वो कार्बोनेट होता है, हम लोग यूजुअल एसिड में यूज करते हैं। देन आएगा आपका सी एच थ्री थ्राइस सी माइनस, मंजस टर्शरी कार्बेनियन, नेगेटिव चार्ज है, टर्शरी कार्बेनियन, कार्बो कैटायन नहीं, टर्शरी कार्बेनियन, कार्बेनियन। देन CH3 ट्वाइस CH माइनस सेकेंडरी, टर्शरी कार्बेनियन, सेकेंडरी कार्बेनियन, देन वन डिग्री कार्बेनियन, CH3 CH2 CH2 माइनस, ऐसे डिक्रीज डिक्रीज होते जा रही है प्लस आई, मतलब रिलीज करने की जो उनकी कैपेसिटी वो डिक्रीज डिक्रीज होती जा रही है। देन ये CH3 CH2 इथाइल, प्रोपाइल वाला था, CH3 है ना, माइनस, एस माइनस थायमिन। देन नेक्स्ट फॉर माइनस आई इफेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो वहां पे माइनस आई इफेक्ट होता है और जब रिलीज करते हैं तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये आएगा फर्स्ट अमोनिया NH3, देन नाइट्रो ग्रुप NO2, Cl साइनाइड आएगा, देन एसिड आएगा। तो पहले बेसिक वाला कंपाउंड आ रहा है, देखो अमोनिया नाइट्रो साइनाइड और फिर एसिड स्टार्ट हो रहा है आपका, इसको हम लोग बोलेंगे सल्फोरिक एसिड SO3H। देन आएगा आपका एल्डिहाइड, फिर आएगा आपका CO, CO मंजस, यहाँ पे आएगा आपका कीटोन। तो आप इसको CO का मतलब कभी कभी आप लोग लिखते ऐसा है कि CO, तो वहां पे कोबाल्ट भी हो सकता है, मतलब दिखने में ऐसा लगता है, तो आप लोग ऐसे लिखो उसको CO, कीटोन, ठीक है। कीटोन के बाद जाएगा आपका COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आपका जाएगा COCl, कार्बोनिल क्लोराइड, CO Cl, वहां पे CO Cl है, फिर ईस्टर COOR, COR, आप खुद लिखो स्क्रीनशॉट निकालने से अच्छा लिखो तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है, COR, ईस्टर। फिर आएगा आपका CONH2, अमाइड, देन आएगा आपके हैलोजन, देन आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों, कंपैरिजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपको दो कंपाउंड्स देते हैं, एसिड भी देंगे, बेस भी देंगे, या फिर अमाइन देंगे, नाइट्रो देंगे, तो उनमें कंपैरिजन करने के लिए फिर आपको पता चलेगा, हाँ भाई ये अमाइन और सॉरी नाइट्रो एंड साइनाइड दिया है तो इसमें ज्यादा ऑर्डर किसका है, ऑफकोर्स नाइट्रो को, तो कंपेरिजन करके आपको टिक करो डायरेक्टली कि हाँ ये ऑर्डर में तो नाइट्रो पे लेता तो ऑफकोर्स ये ज्यादा होगा। तो ये कंपैरिजन करने के लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहा था OH, देन OR, इधर वाला कंपाउंड, फिर आएगा
NH2 अमाइन, ये अमोनिया है, NH3 अमोनिया और NH2 अमाइन। फिर आएगा आपका C6H5, C6 वहां पे NH2 के सामने है आपका C6H5 मतलब फिनाइल, फिनाइल ठीक है, C6H5। फिर आपका आएगा हाइड्रोनियम, देन आपका फ्लोरीन F, फ्लोरीन F, डायमाइन एंड मिथाइल, NR2 एंड मिथाइल आएगा। तो ये आपका ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, ऐसे डिक्रीज होता जाता है ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ये आपको याद रहेगी, नहीं तो एग्जाम्पल की प्रैक्टिस डायरेक्टली करो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी जो आपको बोला है वो आज आपको कर रहे हैं, दो तीन दिन में करो आप, उस बुक को ऑर्डर करो या फिर बुक को लो, एनालिसिस करो, फिर हम लोग आगे वाला देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट एंड न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ठीक है। तो इसके अच्छे प्रैक्टिस करो, आज रीड करो टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक रीड करो ठीक है, उसको रीड करना कंपल्सरी है, बोर्ड से पण करा आणि एनसीईआरटी से पण करा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कल हम लोग दूसरा इफेक्ट प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय ऑल।